हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ दिवाली का मेकअप। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ नीविया क्रीम के ज़रिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस फेस मॉइस्चराइज़र को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है, बट बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट जो हैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। सेकेंड, आई एम यूजिंग गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम। एंड मैंने पहले बहुत बार आपको बताया है कि अगर आप कुछ हैवी मेकअप के लिए जा रहे हैं तो आप विटामिन सी का जो सीरम है ज़रूर यूज़ करें। देन आई एम यूजिंग NYX फोटो स्टूडियो प्राइमर। एंड इसके बाद मैं आईब्रोज़ करूँगी। आईब्रोज़ को सबसे पहले स्पूली की हेल्प से मैं कॉम डाउन कर लूँगी और उसके बाद एक लाइन अपर आईब्रो के ऊपर ड्रॉ करूँगी एंड इस फिल करना उसको स्टार्ट कर दूँगी। और मैंने जो पोमेड लिया है आईब्रो पोमेड, वो वेट एंड वाइल्ड का है, डार्क ब्राउन कलर है उसका। इसके बाद उसको सामने की तरफ से फिल करके कॉम्ब आउट कर लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर रह गया है वो बाहर निकल आए। और उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का जो ट्रांसपेरेंट मस्कारा जेल है उसको अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर पैलेट ले रही हूँ और उसमें से मैं सेम कलर लूँगी एंड इसको मैं जहाँ जहाँ पर मेरे डार्क पिगमेंटेशन है वहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी। और आईब्रोज़ को भी शार्प एजेस देने के लिए थोड़ा क्लीन कर लूँगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फिर उसको ब्लेंड कर लूँगी। ये बिल्कुल मेरी स्किन कलर से मैच करता हुआ कंसीलर है और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंसीलर अप्लाई किया है। इसके बाद अंडर आइज़ और जहाँ जहाँ पे डार्क पिगमेंटेशंस है उसको मैं फिल कर ले रही हूँ, मतलब ये कर ले रही हूँ, उस पर अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि वो हाइड हो जाए। इसके बाद ये कंसीलर थोड़ा क्रीज करता है तो इसको मैंने शुगर के कॉस्मेटिक से ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर लिया है ताकि वो अपनी जगह से इधर उधर ना फैले। और ब्रश मैं निधि कटियार का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने फाउंडेशन लिया है मेबेलिन फिटमी का और मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेने के बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैं सेम स्विस एंड ब्यूटी का पैलेट लूँगी और उसमें से लाइटर शेड लूँगी और इसको अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए इसमें से कंसीलर अप्लाई करूँगी। एंड जब भी आप ये पैलेट यूज़ करें पाउडर बहुत अच्छी तरह से यूज़ करें क्योंकि ये क्रीज थोड़ा करता है, बहुत क्रीमी कंसीलर है ये, सो बहुत आसानी से मेल्ट हो जाएगा आपके स्किन पे। एंड नेक्स्ट अब मैं शुगर का अगेन ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बहुत आप देखिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ करूँगी इसमें, ऑल दो मेरी स्किन ड्राई है बट ये कंसीलर क्रीज करता है। अब मैं वेट एंड वाइल्ड का मैंने कंटूर लिया है और लाइटली कंटूर करूँगी मैं, ज़्यादा मैं कंटूर नहीं करूँगी। एंड उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ही पैलेट लूँगी ब्लश के लिए एंड इसे मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। यू कैन सी कि ये पूरा बजट अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जो हैं ये उस टाइप का मेकअप है। और लाइटली ब्लश अप्लाई कर लेने के बाद अब मैं ग्लिटर गैलेक्सी पैलेट ले रही हूँ, उसमें से सबसे पहले मैं एक लाइट ब्राउन शेड लूँगी फॉर ट्रांजिशन कलर। एंड आई विल टेक ए बिग फ्लफी ब्रश और इसे मैं अपने पूरे आई लिट एंड एज वेल एज क्रीज पे भी अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट ये डार्क ब्राउन कलर लूँगी एंड स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और जस्ट क्रीज पे मैं इसको अप्लाई करूँगी ताकि थोड़ा डेप्थ आ जाए। एंड इसको अप्लाई कर लेने के बाद सेम पैलेट से मैं ब्लैक कलर लूँगी एंड इसको पूरे आईलिट पे अप्लाई करूँगी, थोड़ा क्रीज लाइन के नीचे। और ये फ्लैट ब्रश मैंने लिया है, दिस इज़ फ्रॉम कलर बार, और इसे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। और अप्लाई करने के बाद सेम जो फर्स्ट कलर मैंने लिया था लाइट ब्राउन कलर, वो कलर पिक करके सेम स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसके एजेस को ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक शार्प लाइन ना दिखे और दोनों कलर एक दूसरे में मर्ज हो जाए अच्छी तरीके से। और अगर उससे आपको नहीं फ़र्क पड़ता तो आप एक पेंसिल ब्रश ले सकते हैं जैसा कि मैंने लिया, और तब तक ब्लेंड कीजिए तब तक जब तक ये ब्लेंड ना हो जाए। अब मैं वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ इंस्टीड ऑफ ब्लैक काजल, ये मेबेलिन का है,
क्योंकि स्मोकी आई से थोड़ी आंखें छोटी हो जाती है, ड्यूपी दिखती हैं, लेकिन अगर आप वाइट का जेल अप्लाई करेंगे तो आंखें आपकी बहुत अच्छी लगेगी। एंड नीचे सेम मैंने ब्लैक एंड ब्राउन कलर अप्लाई किया है। ब्रो बोन को मैं हाईलाइट कर रही हूँ सेम पैलेट से सिल्वर कलर लेके, एंड इनर कॉर्नर आइज़ के भी। एंड नेक्स्ट मैं ओरिफ्लेम का मस्कारा अप्लाई करूँगी। मस्कारा के बाद मैं फॉल्स आईलैशेस अप्लाई करूँगी, इसलिए मैंने मस्कारा अप्लाई किया है। एंड यू कैन सी के बहुत अच्छा लुक आएगा। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ही हाइलाइटर ले रही हूँ। ये हाइलाइटर बॉम्ब हाइलाइटर है। एंड इसको अप्लाई कर लेने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा असर करता है हाइलाइटिंग का। एकदम फेस इंस्टेंटली ग्लो करने लगता है। अब लिपस्टिक की तरफ चलते हैं। तो लिपस्टिक के लिए मैंने मेबलिन का आई थिंक टच ऑफ स्पाइस ये शेड है, ये लिया है मैंने। एंड बोल्ड आई मेकअप के साथ ये लिपस्टिक बहुत ही जचता है। सो दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। एंड यू कैन सी कितना सटल सा मेकअप है ये। आई ब्लैक आई शेडो है बट स्टिल इट्स लुक वेरी नाइस। एंड न्यूड लिपस्टिक है तो ये और ज़्यादा इस लुक को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। मैंने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है एंड थोड़ी बहुत ज्वेलरीज भी डाली है मैंने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।